कड़ी। तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी खट्टी कड़ी दही की, ठीक है ना। ये दही है, ये एक पाव ले लिया है मैंने, ये एक प्यारी बेसन है, एक मुट्ठी हरा धनिया है, 5 से 6 हरी मिर्ची है, प्याज है, ठीक है ना, 2 अदद प्याज है, ये मैंने बारीक काट लिया, और ये 5 से 6 अदद लहसुन के जेव, ठीक है ना। आप इसको हल्के लाल मिर्ची है, हल्दी है, जीरा है, धनिया पाउडर है, ठीक है ना। अब हम इसको ये मिक्सी जार में, ये देखिए ये मिक्सी जार में हम डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंडर कर लेंगे। मैंने मिक्सी जार में इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लिया, ठीक है ना। ये देखिए ये अब मैंने पतीला चढ़ा लिया, ठीक है ना, और इसके अंदर जो मैंने पीसा था ना, ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, और मैं 2 गिलास पानी भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर, ठीक है। और इसको हम हल्का हल्का चम्मच से हम चलाते रहेंगे, ठीक है ना, ये लकड़ी का चम्मच है, इसको हम हल्का हल्का इस तरह से चलाते रहेंगे। जब इसमें उबाल आएगा तो हम इसको बिल्कुल स्लो आंच में हम गल, ठीक है ना। अच्छा, नमक मेरा गया नहीं था तो 1 चम्मच नमक भर के मैं नमक भी डाल दूंगा, ठीक है ना। ये पकड़ा है, और ये कड़ी पत्ता है, ये देखें कड़ी पत्ता है, ये कड़ी पत्ता भी मैंने डाल, बस अब ये स्लो आंच पे हमारा ये कड़ी, हमारी ये हमारी कड़ी स्लो स्लो मैं इसको चलाती भी रहूंगी चम्मच से। जब ये उबाल आएगा 1 से 2 उबाल के बाद, फिर मैं इसको बिल्कुल धीमे आंच पे रख के मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा, आप ये ध्यान रखें कि कवर ना इसको पूरा नहीं करना है, आधा कवर करके बस हम इसको रखेंगे इस तरह से, आधा कवर, आधा हम छोड़ देंगे कवर, ताकि ये अपना उबाल आके गिरे नहीं, ठीक है ना। ये तकरीबन मैं आधा घंटा में इसको पकाऊंगी। ये बेसन है, ठीक है ना, और ये 2 अदद प्याज है मैंने बारीक सी काट ली है, का पेस्ट है 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं ये मैंने बारीक काट ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया ये भी मैंने बारीक काट लिया है, ठीक है ना। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पिसी हुई, और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची, और ये 1/2 चम्मच हल्दी है, ठीक है ना। अब मैं इसको अच्छी तरह से पानी से इसको मिक्स कर लूंगी, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे अच्छी तरह से, हम हाथ से, हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से, 1 चम्मच ये मैं खाने का सोडा भी इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे पकौड़ों का मसाला मिक्स हो गया, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि फिर हम इसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। 10-15 मिनट रख दें तो ये मसाला बहुत अच्छा हो जाता है, बेसन वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद तले ना तो बहुत ज़बरदस्त तले जाते हैं, ठीक है ना। ये उबाल आ रहा है, ठीक है ना, ये देखिए ये उबाल आ रहा है, ये देखिए 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको उबाल दिया है। देखिए अब मैं बिल्कुल स्लो आंच पे जो ना इसको पकने के लिए रख दूंगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कड़ी बनती है ना, उतनी ही मजे की कड़ी होती है, तो अब ये कम से कम 1/2 घंटा तो हम इसको रखेंगे, ठीक है ना। और कवर हम आधा ढक्कन करेंगे, कवर पूरा फुल नहीं करेंगे। अब मेरा तैयार हो गया, अब मैं इसको ऑयल में फ्राई कर, ये ऑयल मेरा गर्म हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर पकौड़ों को बड़े साइज के डालना है, अंदर से कच्चे रहते चम्मच की मदद से, इसके चम्मच में डाल, ठीक है ना। ये दोनों तरफ से पक जाएंगे ना, मैं इसको उतार लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ये है कि लाइट ब्राउन हो, ताकि खूबसूरत भी लगे। इसको उतार रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फ्राई हो गई है, मैंने इतना रखा। और ये ठंडा होके ना ये कड़ी और गाढ़ी होती है, लिहाजा ये सारे पकौड़े मैंने तल दिए थे, ठीक है ना। अब ये पकौड़े मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे बघार, 1 अदद प्याज थी मैंने इसके अंदर ब्राउन करने के लिए डाल दी। ये देखें ये 2 हरी मिर्चें मैंने इसको लंबी लंबी काट ली, ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और ये 7 मिर्चें, ये 4 से 5 ये 7 मिर्ची भी डाल दूंगी इसी में, और ये लहसुन 3 से 4 जो है लहसुन के लिए, लहसुन की जोड़ी मिल जाती है, ठीक है ना। मैंने कड़ी पत्ता और जीरा हो गया, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें जीरा और थोड़ी सी कलौंजी है ये डाल दूंगी, और कड़ी पत्ता डाल दूंगी, ठीक है ना। ये हमारा बाजार तैयार हो गया, ठीक है ना। मेरी आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और आइंदा मेरी रेसिपी मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी आप लोग को, ताकि मेरी रेसिपी पसंद आए। थैंक यू सो मच। और ये इतनी बघार लगा रही हूँ मैं, बहुत मज़ेदार करिए।